हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे, और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, देखिए किसके आने के साथ। तो आ चुकी है आज हमारी ननद साहिबा। अगर आप लोग हमारे वीडियो देखते होंगे तो आपको हमने अपनी छोटी वाली मासी को दिखाया था, तो उन्हीं की बिटिया रानी है और हमारी ननद साहिबा है। तो ये बहुत दिनों के बाद आई है, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं रहती है, ये नोएडा में रहती है, तो इनका आना जाना बहुत ही कम हो पाता है। और आप लोगों को अगर बता दें तो ये हमारी शादी में आई थी, उसके बाद बीच में एक बार एक रात के लिए क्यों लाई थी, उसके बाद आ जाई है, तो काफी लंबा गैप हो जाता है। इसमें भी मेरी बिटिया पूजा करने जाएगी। अरे ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? नवग्रह। अरे वाह, इनके लिए मोबाइल छुड़ाने के लिए, ताकि चारों मोबाइल ना देखें। ये तो लोटा चारू लाई थी ना, दो दो हो जाएगी। अरे माता जी के यहाँ से एक लोटा आया था ना। ये लो भाई, अरे बाप, ये तो बुआ जी के लगाने वाला है। बुआ जी के लगाने वाला है, ऐसे लगाने में ऐसे जमीगा। अब तो ये है बिट्टो, ये यहाँ पर मासी ने चारू के लिए कुछ सामाने भिजवाई थी। ननद जी भी कुछ लेकर आई हैं, खाने पीने की चीजें भी लेकर आई हैं, और हम लोगों को नहीं पता था। वो तो जब हम आ रहे थे शॉपिंग करके, रास्ते में फोन आया था कि ननद जी आ रही हैं, तो वही फटाफट से लग गए थे सारे कामों को निपटाने में, क्योंकि जब कोई आता है ना तो अचानक में हड़बड़ी में सारे काम होते हैं। तो पहले सारी चीजों को व्यवस्थित किया और फिर खाना बनाने की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि आते ही हम लोगों को करीब 4:30 बज चुके थे, और उसके बाद पता चला कि ये लोग आ रहे हैं। तो बस फटाफट तैयारियों में लग गए थे, खाना हमारा आधा बन चुका है, आटा लगा के हमने रख दिया था। हमने कहा जब आएंगे तब हम जो है रोटी बनाएंगे, तब तक चलो नाश्ता पानी इनको करवाते हैं। और चारू ये देखिए कैसे शर्मा रही हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बुआ जी से मिली हैं, तो काफी नखरे हो जाते हैं इनके जब कोई आता है ना, तो ये थोड़ी देर तो बात ही नहीं करती, बस शर्म के मारे इधर उधर बैठी रहती है। तो चलिए आप लोगों को पहले दिखा देते हैं कि हमने शॉपिंग क्या क्या की है। तो दोस्तों, हमारी करवा चौथ की शॉपिंग हो चुकी है, शाम के बज गए हैं 6:30, और काफ़ी देर पहले आ चुके थे, काम भी हमारे हो चुके हैं, आधा खाना भी हमारा बन चुका है, और हमारे घर पे मेहमान भी आ चुके हैं। बड़ी दूर से मेहमान आए हैं, तो वो भी इतनी दूर से आए हैं और सभी से मिलने के लिए, और ये मेहमान इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ पाते। पहले हम आपको दिखा देते हैं शॉपिंग क्या क्या की है, क्योंकि हमारे कई दोस्त बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपकी शॉपिंग हुई कि नहीं, आप क्या पहनेंगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट से, तक हमारे मेहमान जो है नाश्ता पानी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं बहुत बड़ी वाली शॉपिंग, जो पिछले 5 सालों में हमने पहली बार की है, शायद शादी के बाद पहली बार, क्योंकि इससे पहले करवा चौथ पर आज तक हमने एक साड़ी भी नहीं खरीदी थी, वही शादी की जो साड़ियाँ होती वही हम पहन रहे थे। तो पहली बार हम कुछ लेकर आए हैं, और पतिदेव ने दिलाया है, पतिदेव की जेब खाली हो चुकी है। तो चलिए दिखाते हैं, और आप लोगों को तो दिख रहा होगा कि हमने क्या खरीदा है। तो हमने खरीदा है लहंगा, और पिछली बार हमने दिखाया था कि हमने शादी वाला लहंगा पहना था, और 5 सालों से वही लहंगा लगातार हम पहन रहे थे करवा चौथ पर। तो इस बार हमने कुछ अलग लिया है, मतलब लहंगा ही लिया है, और ये देखिए हमारा लहंगा, ये लहंगा हमने लिया है, आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखो। और हमारी कितने दिनों की फरमाइश थी, तमन्ना थी, दिली ख्वाहिश थी, कुछ भी समझ लीजिए, मतलब जो चीज़ें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा लहंगा, जो कि एक ही दिन में मिल गया। वैसे हम सोच रहे थे इसको ढूंढने में काफ़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन बहुत ही जल्दी मिल गया। और ये ब्राइडल लग रहा होगा, लेकिन हम कुछ और सोच कर गए थे कि ये लेंगे, मगर अब मजबूरी है कि यहाँ पर उस टाइप के लहंगे नहीं मिलते, तो हमको ब्राइडल लहंगा ही लेना पड़ा। तो
ये देखिए, और इसके साथ दो चुन्नी है, तो लहंगा के साथ दो चुन्नी मिलती है, पहले तो एक ही मिलती थी, ये देखिए, और ये वेलवेट में चुन्नी है, ये जो चुन्नी है वेलवेट की है, ये देखिए। तो ये चुन्नी हो गई हमारी पहली, और इसको कोई भी पहन सकता है, जरूरी नहीं कि हम अपने ही अपने लिए ही लाएं, कोई भी घर में फंक्शन हो सकता है तो कोई भी पहन सकता है इसको। ये है उसकी दूसरी चुन्नी जो कि ऊपर से डाली जाती है। हाँ, इनमा किनारे किनारे नाम लिखा रहा था ना। तो ये हो गया हमारा, उसके बाद और भी खरीदारी हुई है, अभी आपको दिखाते हैं। और ये है राजस्थानी साड़ी, ये है सासू मम्मी के लिए, नेहा बता भाई जी। ये राजस्थान की कढ़ाई जैसा है, साड़ी कैसी लग रही है ये भी आप लोग बताइएगा, ये देखिए। और इसका जो पल्लू है ये थोड़ा सा प्लेन है, और बॉर्डर है किनारे, ये देखिए। एंड कट, ये देखिए, ये हो गए साड़ी का पल्लू, और ये प्लेट्स में आ जाएगा ये। तो ये हो गई मम्मी की साड़ी, अभी ऐसे रख देंगे, बाद में सही कर। ये है लहंगा के साथ ज्वेलरी हमने ली है थोड़ी सी, क्योंकि पिछले बार भी हमने लिया था, इस बार भी हमने एक सेट लिया है। तो ये हो गई, ये हमारा चूड़ा हो गया, और ये हमारी थाली सजाने की सामान हो गई। देखिए लैस लेकर आए हैं, तो जो करवा चौथ की थाली होगी वो अपने हाथ से सजाते हैं, पिछले साल भी सजाया था। और ये लोटा हो गया, बस इतनी सी शॉपिंग थी हमारी। तो दोस्तों, हमारी करवा चौथ की शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी? और पहली बार ऐसा सब कुछ लिया है तो थोड़ा सा वो भी लग रहा था, और जब खरीद रहे हैं तो थोड़ा अंदर से लग रहा था कि इतने सालों के बाद हमारी ख्वाहिश पूरी हो रही है, तो आप लोग हमारी खुशी में खुश होते हैं। तो आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि हमारी शॉपिंग आपको कैसी लगी, क्योंकि हमारे कई दोस्त बहुत दिनों से परेशान थे कि अब क्या पहनने वाली हैं, क्या पहनने वाली है। तो चलिए इसको तैयार कराते हैं और सारी चीज़ों को समेट के रखते हैं। और दोस्तों, कुछ चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी आपके साथ कि वो आपको भावुक कर देती हैं, तो ऐसा ही कुछ था जब हम ये लहंगा लेने के लिए कह रहे थे ना, घर से ही कहा था इन्होंने, लेकिन हम टाल रहे थे कि नहीं साड़ी ले लेंगे, हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने जिद कर दी, नहीं इस बार तुमको लहंगा ही लेना है। और अंदर से ऐसा लग रहा था ना, घबराहट सी होने लगती है जब कोई अचानक से ये सारी चीज़ें बोल देता है तो। और आपको बता दें, जब हम पैक करा रहे थे ना, तो अंदर से इतना ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बार बार इनकी तरफ हम देख रहे थे, और मन कर रहा था बस बदल दे, हम साड़ी ले लें, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अब तुम यही लोगी। ये आज तक की सबसे महंगी शॉपिंग है हमारी, चाहे किसी भी फंक्शन में हो या घर में कभी शादी वादी भी पड़ती थी तो इतनी महंगी हमारी शॉपिंग नहीं होती थी। तो इस बार इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करवा दी है। और फिर हम लग गए थे खाना बनाने में, आप लोगों को पहले बताया भी है कि खाना हमारा बन चुका था, दाल चावल सब्जी हमने बना के रख दी थी और आटा लगा के रख दिया था, बस अब सब लोग खाने के लिए तैयार हो गए। फटाफट से हम रोटी बना लेते हैं। और वैसे तो दोस्तों, हर करवा चौथ पर कुछ ना कुछ शॉपिंग तो हो ही जाती है हर किसी की, नहीं तो कुछ तो मेकअप का सामान ही हो जाता है, चूड़ी हो जाती है, ऐसा हो जाता था, लेकिन हमने आज तक साड़ी नहीं खरीदी थी किसी भी करवा चौथ पर। यही हम लहंगा और साड़ी को चेंज करके एक साल लहंगा पहन लेते थे, एक साल साड़ी पहन लेते थे, और अच्छा भी लगता था हमको शादी की साड़ी या लहंगा पहनना। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया है और खुशी भी हो रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, कहीं पर भी कुछ भी बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम बहुत ही जल्दी में एडिट कर रहे हैं, आप लोगों के पास आज ही पहुंचाना है और आज ही एडिट करके इसको पहुंचा देते हैं, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। और आप लोग पूछ भी रहे थे कि रितु दीदी अपनी शॉपिंग दिखाइए, अब क्या क्या लेकर आई हैं, तो हमने कहा चलो आप लोगों के पास पहुँचा देते हैं। तो दोस्तों, हम रोटी बना रहे हैं, मम्मी सबके लिए खाना लगा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एक साथ बैठकर खा लेंगे, तो आप लोग भी आ जाइए, रात का खाना खा लीजिए आकर। और दाल चावल सब्जी रोटी अचार सलाद यही सब कुछ है, और आलू परवल की हमने सूखी सब्जी बनाई थी, क्योंकि ये वाली सब्जी आप लोग देखते ही रहते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है। और दोस्तों, कल है करवा चौथ, तो आज हमारी प्यारी प्यारी माताएँ बहनें लगी होंगी हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए, ढेर सारी तैयारियाँ करने में लगी होंगी, हम भी लगे हुए हैं, लेकिन आपके पास वीडियो
भी पहुंचाना है, उसके भी काम देखने। तो इतनी ज्यादा धूमधाम मची हुई है दोस्तों कि क्या बताएं, और हो भी क्यों ना, आखिर भाई साल में एक बार त्यौहार आता है करवा चौथ का, और हम महिलाओं के लिए ये त्यौहार क्या बताएं, इसके मायने क्या हैं, और सजना संवरना व्रत रखना किसको भला नहीं पसंद है। तो हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी माताओं बहनों का सुहाग अमर करें, वो हर साल ऐसे ही करवा चौथ मनाती रहें, और उनका जो जोड़ा है ना उसको बनाए रखें, उसमें ढेर सारा प्यार भरे। तो सबके लिए मम्मी ने यहाँ पर खाना लगा दिया है, चारू भी बैठी हुई है, लेकिन चारू ने अभी खाना नहीं खाया है, पापा जी भी अभी नहीं आए, तो पापा जी के लिए भी खाना लगाना है, और हम बनाते जा रहे हैं रोटी। तो जब सब लोग करवा लेते थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि अचानक से सभी लोग आ गए थे तो कुछ वैसी तैयारी भी नहीं थी, तो जल्दी जल्दी में दाल चावल सब्जी रोटी यही बन गया था, फिर खाना पीना हो गया था, हम लोगों ने भी खा लिया था। तो उसके बाद अब यहाँ पर बर्तन साफ करके रख देते हैं, सारे काम समेट देते हैं, और टाइम बिल्कुल भी नहीं है, कल का टाइम है, तो कल भर में साफ सफाई सारे काम करने हैं, और साथ में कुछ चीज़ें हैं जिनकी तैयारी भी करनी है, क्योंकि इस बार हमारी तैयारियाँ थोड़ा सा लेट हो गई हैं, और वो इसलिए हुआ कि जल्दी हम जो है जा नहीं पाए शॉपिंग करने के लिए, तो सामानें हमारे पास थी नहीं, तो जल्दी जल्दी कामों को निपटा रहे हैं, और रात में वीडियो के काम भी समय हम कर रहे हैं, रात में ही निपटा लेते हैं क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए फिलहाल हमारा किचन का सारा काम हो चुका है, और उसके बाद सभी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब सब लोग आपस में मिलते हैं तो ढेर सारी बातें होती रहती हैं, और चारू आज यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, कह रही थी बस हम बुआ जी के पास लेटेंगे, और यहाँ पर जाने कितनी देर तक, कितने घंटों तक बैठे बैठे बातें होती रही हैं। फिर ये लोग बातें करते रहे, हम चले गए थे अपना काम करने के लिए, ये काम भी करना जरूरी होता है, और चारू आज इतनी देर तक जगी हैं और इन लोगों से तरह तरह की बातें बता रही थी, अपनी स्कूल की बातें, घर की बातें, तो अच्छा लग रहा था, सभी लोग इकट्ठा है, मम्मी भी इधर लेटी हुई हैं, तो सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं, हमारे रीति रिवाज, हमारे घर के, हमारे गांव के, हम लोग जैसे चीज़ों को मनाते हैं वैसे आप लोगों को पसंद आते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का हमारा हृदय से बहुत 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 धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और सच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही कमेंट पढ़ते हैं, आप सभी लोगों के कमेंट हमारे यहाँ सभी लोग पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं ना तो चेहरे पर सभी की स्माइल आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और इतना प्यार देने के लिए आपका फिर से बहुत 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 धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्दी से हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। और आप लोग दोस्तों अभी से बधाई देने लगे उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो दोस्तों उसके बाद हम आप लोगों से मिल रहे हैं आज यानी 19 अक्टूबर, सुबह का समय है और खाना बनाने की तैयारी हमारी हो चुकी है। तो खाना हमने बना दिया था क्योंकि चारू के पापा को भी जाना था, नहीं उसके बाद इन लोगों के लिए हम कुछ बनाने जा रहे हैं स्पेशल सा, क्योंकि इन लोगों को भी सुबह ही निकलना है। तो खाना तो तैयार हो चुका था, लेकिन हमने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ बनाकर खिला देते हैं जल्दी वाला, जो फटाफट से बन जाए। तो यहाँ पर हमने ली है सूजी, और इसमें हमने चीनी, नमक, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, जो हरी धनिया है वो डाल दी है। उसके बाद ये डाल देते हैं इनो, अच्छे से फेंट लेते हैं, और आप लोग तो पहचान ही गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं सूजी की इडली यानी सूजी का नाश्ता। तो ये जो नाश्ता होता है फटाफट से तैयार हो जाता है, तो बस इसका जो पेस्ट है हमने तैयार कर लिया है, और उसके बाद एक तरफ हमने पानी रख दिया था, पानी हमारा खौलने लगा था, थाली में ये पेस्ट डाल देते हैं, और थाली में हमने तेल लगा लिया था।
फिर इसको पकने देते हैं। ये भाप में अच्छे से पक जाएगा और बहुत ही फूलता है, फूलकर तैयार हो जाएगा। और तब तक हम चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। वैसे इसके साथ नारियल की चटनी अच्छी लगती है, मगर नारियल था नहीं तो फटाफट से हमने क्या किया है, मूंगफली के दाने और चना की दाल की जो चटनी है वो तैयार कर लेते हैं। तो मूंगफली के दानों को हमने तवे पर भून लिया है और उसके बाद चने की दाल, अदरक, हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को एक साथ में भून लेते हैं। ये वाली चटनी भी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। सुबह सुबह हड़बड़ाहट में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बनाए तो बनाए क्या। ऊपर से इन लोगों को जल्दी निकलना था क्योंकि इन लोगों को कहीं और भी जाना है, तो इन लोगों के पास भी बिल्कुल समय नहीं था। तो बस यही हमारे दिमाग में आ रहा था कि जल्दी से यही नाश्ता बना देते हैं। तो चटनी हमने फिर मिक्सी में पीस ली थी, पानी डालकर आप चटनी को तैयार कर सकते हैं। उसमें करी पत्ता और सरसों और थोड़ा सा नमक डालकर तड़का लगा सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो चलिए तड़का लगा देते हैं। और फिर हमारा नाश्ता बनकर तैयार भी हो गया था, उसको हमने कट भी कर लिया है। कुछ चीज़ें ना सूट करने में दिक्कत आ रही थी, एक तो सबसे ज़्यादा जल्दी थी कि जल्दी तैयार करना है, दूसरा कोई सूट करने वाला था नहीं, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं तो अकेले ही लगे हुए थे सारी चीज़ों को हम करने में। तो ये जो सूजी है इसको हमने ऐसे ही सिंपल तरीके से कट कर लिया है और थोड़ा सा तेल डाल दिया था, थोड़े से करी पत्ता डाल दिए हैं, सरसों के दाने और नमक डाल दिया है। बस ऐसे ही इसको फ्राई कर लेंगे और जितना आप क्रंची बनाना चाहें उस हिसाब से आप क्रंची बना सकते हैं। और ये जो नाश्ता है सबके यहाँ वैसे पसंद किया जाता होगा क्योंकि ये हेल्दी होता है, नुकसान कुछ भी नहीं करता। इसमें ना तो ज़्यादा मसाले पड़ते हैं ना ही ज़्यादा तेल पड़ता है, बस हल्का फुल्का सा नाश्ता है, खाने में बेहद स्वादिष्ट। तो जब तक ये लोग तैयार हुए थे तब तक हमारा नाश्ता भी बनकर तैयार हो गया था और दोबारा वाला हमने रख दिया है क्योंकि इन लोगों के लिए पहले तैयार कर देते तब तक वो पकता रहेगा। तो ये लोग आ चुके हैं तो इनको हम दे देते हैं और उसके बाद जो काम है वो निपटाते हैं। पापा जी खेत जा रहे थे तो उनको भी दे दिया गया है और ये नाश्ता पापा जी को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। hey, ये तुम्हारा होती हो ले लो खा ली मुझे, जो तुमका अच्छा लगे फल फलारी जो तुमका अच्छा लगे खा ली मुझे फल फलारी। अब फास्ट फूड खाती नहीं हो, बाकी नाश्ता हम करवा दिया है, बाकी आगे तुम लाइन में जाए लो छोटू तुम ले लो भाई। अरे नहीं तुम रखो, अरे नहीं ले लो, कौन बहुत आवत है, आवत आवत खाओ नहीं। ए यो काम बढ़िया अच्छा, आओ घूम जाओ के बाद झोलो मिल जाती है। सही बात है, अब यह काम पकड़ लियो के दावा करे झोला लेके नेहा लिखा नेहा नंबर नहीं ना दीदी कर लेंगे। तो बस इतनी देर के लिए ही आए थे ये लोग और आ जाते हैं अच्छा भी लगता है, और नहीं तो बहुत ही लंबा गैप हो जाता है, इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ पाते। मौसी के बेटे तो आ जाते हैं मासी के साथ में, लेकिन जो हमारी ननद साहिबा हैं ये नहीं आ पाती हैं। तो चलिए सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहें, भगवान खूब तरक्की दें, क्योंकि जो ननद साहिबा हैं ये जॉब करती हैं नोएडा में, इसी वजह से और ये व्यस्त रहती हैं। और उसके बाद हमने जो दोबारा रखा था ना वो भी पक चुका था, उसको फ्राई कर दिया है। तो अब हम सभी लोग बैठकर खा लेते हैं फिर आगे के काम निपटाते हैं, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है और आज ही का दिन बचा है, उसी में सारे कामों को निपटाना है। और चारू को भी ये नाश्ता पसंद है, तो खाने में सब्जी रोटी हमने बना दी थी, देखा जाएगा बाद में क्या बनता है क्या नहीं। फिर उसके बाद हम आ गए थे कपड़े धोने के लिए, कपड़े धुलकर आ गए हैं छत पर और फैला देते हैं, और उसके बाद हम लगेंगे कामों को निपटाने में, क्योंकि साफ़ सफाई भी आज ही करनी है और देखते हैं क्या क्या हो पाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ये सारे कामों को निपटाने में। और इसके बाद हमको मिल गया है बहुत ही बड़ा सरप्राइज, क्या सरप्राइज मिला है वो आप लोगों को अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो दोस्तों आप सभी लोगों को, हमारी जितनी भी माताएं बहनें, सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।